हाँ महादेव, दुविधा यह है कि प्रजापति के बिना संसार चलेगा कैसे। सोचिए महादेव, यदि देवी सती चाहती तो अपनी शक्तियों से वो जीवित दक्ष का अंत कर सकती थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके आत्मदाह का एक उद्देश्य है। देवी सती दक्ष का नहीं, देवी सती का प्रयत्न था कि वो दक्ष के अहंकार का अंत करें। उनका प्रयत्न था कि वो आप दोनों की शत्रुता का अंत करें। अब उनके अधूरे उद्देश्य को पूर्ण करने का दायित्व आपका है महादेव। और आप ही कहते हैं ना महादेव कि कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। हम अपना कर्तव्य ही निभा रहे हैं। हमारी विनती स्वीकारे महादेव, प्रजापति दक्ष को पुनः जीवित कर दे, क्योंकि प्रजापति के अभाव में संसार में घोर संकट आ सकता है। महादेव, भले ही दक्ष मेरा पुत्र था, परंतु मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि उसे पुनः जीवित किया जाए। महादेव, आप तो दया और करुणा के स्रोत हैं, कृपया करके दया कीजिए। हाँ महादेव, कृपया दया करें, प्रजापति दक्ष को पुनः जीवित कर दीजिए। अब इस शिव में कुछ करने की शक्ति ही कहाँ है। मेरी शक्ति को मुझसे दूर करना चाहता था ना वो दक्ष, जो उसने कर दिया। मेरे पास उसे देने को कुछ भी नहीं, भला एक शव किसी को क्या जीवन दे सकता है। महादेव,